बड़ी बड़ी दाढ़ी और रौबदार मूछें रखने वाले इस टैलेंटेड एक्टर को तो आप जरूर जानते ही होंगे। इन्होंने कई टीवी सीरियल्स और फिल्मों में काम किया है। इनका नाम है अनुपम शाह और बेहद दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि अनुपम अब इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चले गए। जी हाँ, टीवी पर ठाकुर सज्जन सिंह के नाम से मशहूर एक्टर अनुपम शाह ओझा का रविवार को 63 साल की उम्र में मल्टीपल ऑर्गन फेलियर के चलते निधन हो गया। उन्होंने मुंबई के लाइफलाइन हॉस्पिटल में अपनी आखिरी सांस ली। आपको बता दें कि अनुपम शाह का जन्म 20 सितंबर 1957 को उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ में हुआ था। अनुपम शाह उन एक्टर्स में से थे जिन्होंने थिएटर की दुनिया से पर्दे की दुनिया में कदम रखा और जब मौका मिला तो अपनी एक्टिंग के जादू से सभी को इम्प्रेस कर डाला। अनुपम शाह ने अपनी स्कूली शिक्षा प्रतापगढ़ से ही पूरी की। इसके बाद उन्होंने अवध विश्वविद्यालय से कॉलेज की पढ़ाई की और लखनऊ के भारतेंदु नाट्य अकेडमी से थिएटर की पढ़ाई की। बाद में वो दिल्ली के श्रीराम सेंटर रंग मंडल में भी काम करने लगे और थिएटर के दौरान ही उन्हें एक इंटरनेशनल फिल्म में काम करने का मौका मिला। इस फिल्म का नाम था लिटिल बुद्धा, जो उनकी डेब्यू फिल्म कही जाती है। इसके बाद उन्होंने शेखर कपूर की फिल्म बैंडेड क्वीन साइन की। इस फिल्म में उनका लुक काफ़ी अलग था, जिसकी वजह से उन्हें फिर गुंडों और बदमाशों के ही किरदार मिलने लगे। उन्होंने कई फिल्मों में छोटे बड़े किरदार निभाए। सत्या, प्यार तो होना ही था, लगान, गोलमाल, धोखा, राज, स्लमडॉग मिलियनेयर, वांटेड, मुन्ना माइकल जैसे तमाम फिल्मों में अनुपम नजर आए थे। इतनी फिल्मों में काम करने के बाद भी अनुपम शाह को पहचान मिली साल 2009 में आए टीवी शो मन की आवाज़ प्रतिज्ञा से। इस सीरियल में उन्होंने ठाकुर सज्जन सिंह का रोल निभाया था। इस किरदार से उन्हें घर घर में पहचान मिली और लोग उन्हें ठाकुर सज्जन सिंह ही कहने लगे। उत्तर प्रदेश के बैकड्रॉप पर बने इस टेलीविजन शो में वो काफ़ी इम्प्रेसिव रोल में नजर आए थे। मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के अलावा वो कृष्ण चली लंदन और डोली अरमानों की में भी नजर आए थे। इन दिनों वो मन की आवाज़ प्रतिज्ञा के दूसरे सीजन में दिखाई दे रहे थे। आपको बता दें कि अनुपम शाह पिछले साल ही उस समय सुर्खियों में आए थे जब किडनी का इलाज करवाते हुए वो आर्थिक तंगी का शिकार हो गए थे। अनुपम ने इंडस्ट्री से मदद की गुहार भी लगाई थी, जिसके बाद उन्हें कई सेलेब्स का सहारा भी मिला था। जाहिर है कि इतने टैलेंटेड एक्टर के जाने से बॉलीवुड ने एक नायाब हीरे को खो दिया है। टीवी और फिल्म इंडस्ट्री में उनके इस कंट्रीब्यूशन को लोग हमेशा याद रखेंगे। क्रेजी फॉर बॉलीवुड की तरफ से भी अनुपम शाह जैसे टैलेंटेड एक्टर को भावभीनी श्रद्धांजलि।